स्पाइडरमैन का क्रेज पूरी दुनिया में इतना ज्यादा है कि एनिमेशन हो या फिर रियल लाइफ मूवी, दोस्तों सब लोग टूट पड़ते इसे देखने के लिए। हाल ही में स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी रिलीज हुई, जिसका जो बजट था वो लगभग 100 मिलियन डॉलर था, लेकिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 मिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर चुका है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके OTT रिलीज डेट, इंडिया में कब देखने को मिलेंगी, हिंदी में कब आएंगी, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नो डाउट दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, खासकर इसकी हिंदी डबिंग जिस प्रकार से की गई है, शुभ मंगल का भी भाई उसमें हाथ है, तो बिल्कुल मज़ेदार है। मतलब इंडियन ऑडियंस तो इस मूवी को जमकर इंजॉय कर रही है। बात करें इसके OTT राइट्स के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को जो है पहले VOD पर रिलीज किया जाएगा रेंटल बेसिस में, उसके बाद ये नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज होने वाली है, क्योंकि सोनी पिक्चर वालों की मोस्टली जो डील होती है वो नेटफ्लिक्स के साथ होती है, और ये मूवी हमें दोस्तों नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगी। तो बात आती है रिलीज डेट को लेकर, तो एक बात काफ़ी ज़्यादा सही है कि दोस्तों इसे रेंटल पर यानी कि VOD पर रिलीज किया जा रहा है 18 जुलाई को ये आपको बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगी, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद भाई रेंटल वेंटल के बाद लोग तो जुगाड़ कर ही लेते हैं, क्योंकि अल्ट्रा लेजेंडरी भाई लोग हैं हमारे पास, सबको पता है। लेकिन बात आती है नेटफ्लिक्स की रिलीज को लेकर, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर आपको ये अगस्त के मंथ तक देखने को मिलेंगी या फिर उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन फिलहाल ये VOD पर हिंदी डब में भी आ जाएंगी।